जिम्मेदार एलओपी का हम सम्मान करेंगे। लेकिन मुझे आज दिखाई दे रहा है कि देश के अंदर बाढ़ से राज्य तबाह है, सामाजिक विषमता है, कहीं मजार को लेकर के महाराष्ट्र में, तो बिहार में मुहर्रम में फिलिस्तीनी झंडे फहराए जा रहे हैं, और कहीं मुस्लिम नेता मास धर्म परिवर्तन कराने जा रहे हैं। ऐसी हालात में देश का एलओपी कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। मुझे तो लगता है गुमशुदा की तलाश का एक नोटिस भी चिपकाना पड़ेगा, और जो बताएगा पता उसे इनाम भी देना पड़ेगा, और साथ ही साथ थाने में भी केस रजिस्टर्ड कराना होगा। ये हालात है देश के गंभीर एलओपी का, दुर्भाग्य है इस देश का। सर, 21 जुलाई को बरेली में है मौलाना तौकीर, वो जो मुस्लिम धर्म में विभिन्न धर्मों से युवक युवतियां आए हैं उनका सामूहिक निकाह कराएंगे, इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, ये आज हमारे पूर्वजों से जो भूल हुई है, आजादी के समय अगर सभी मुसलमानों को पाकिस्तान भेज दिया गया होता, कुछ वोट के लालच में जो हालात हुए वो सोची समझी राजनीति थी, जो मुसलमान रह गए। आज देश में एक कड़ा कानून बनाने की जरूरत है, और ऐसे मुसलमान जो सामूहिक करें, इन पर केस होनी चाहिए, इन पर मुकदमा होनी चाहिए। सर, 21 तारीख को वो पहले जत्थे का धर्मांतरण कराएंगे और निकाह कराएंगे, 21 तारीख वो दिन है, 20 तारीख से सावन शुरू होगा, तो कहीं ना कहीं इसको लेकर विचार कुछ या भविष्य कुछ और है? देखिए, वो जान बूझ करके हिंदुओं पे प्रहार कर रहे हैं, और एक हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का रिपोर्ट है, उसमें दिखाता है कि आज 13-14 साल से जब हमारा कोई धार्मिक शोभा यात्रा निकलता तो ये पत्थर फेंकते, चाहे हनुमान जयंती हो, चाहे रामनवमी हो, चाहे अन्य शोभा यात्रा हो, कभी तलवार चलाते, कहीं गोली चलाते, लेकिन आज तक हिंदुओं ने उनके तजिया पर आजादी के बाद से लेके आज तक नहीं किया है। ये हिंदुओं के सब्र की परीक्षा न ले। सर, वीआईपी के जो नेता है मुकेश साहनी, उनके फादर की हत्या कर दी गई है, लेकिन इसके ऊपर आरजेडी और बाकी जो पॉलिटिकल पार्टीज है सरकार पर हमलावर हो रही है, कैसे देखते हैं जो घटना हुई है? देखिए, ये राजनीति का विषय नहीं है। मुकेश सहनी बिहार के एक राजनीतिक नेता हैं। अगर उनके पिता की हत्या हुई है, ये मैं दुख जताता हूं, और इतना जरूर कहूंगा कि अपराधी बच नहीं पाएगा, और राज्य सरकार इसके प्रति गंभीर है, जैसा कि मुझे बताया गया है। मैंने भी जब जानकारी ली तो मुझे बताया गया है सरकार गंभीर होकर के अपराधियों को नहीं बकसने का संकल्पित है। सर, समाजवादी पार्टी के नेता अभेश सिंह कह रहे हैं कि बीजेपी भले जितनी भी मीटिंग कर ले, लेकिन अब उनका जो है अस्त होने की दिशा में है, कुछ नहीं होने वाला, कम्युनलिज्म के आधार पर देश नहीं चलेगा, इस तरीके से धर्म के आधार पर राजनीति नहीं चलने वाली है, क्या कहेंगे? कॉन्स्टिट्यूशन और यही अगर सामाजिक धर्म परिवर्तन हो, अखिलेश यादव की जुबान खुले नहीं, अगर उसके खिलाफ गिरिराज बोले तो ये कम्युनलिज्म होगा, और तो ये हमें बर्दाश्त नहीं, और गलतफहमी में समाजवादी नेता नहीं रहे,
काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है। सर एक दुखद खबर है, जिस तरीके से चार आर्मी के जवानों को टेररिस्ट हमले में शहादत, ये क्या कहेंगे इस पूरे विषय को लेकर? देखिए हम सब दुखित हैं, कांग्रेस कभी सेना के शौर्य पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं, लेकिन आज अगर हमारे जवान शहीद हुए हैं तो हम सब दुखित हैं, लेकिन दहशतगर्द बचेंगे नहीं। आपने देखा है पहले भी और आगे भी उनकी दुर्गति यही होगी। सर श्रीनगर में प्रो पैलेस्टीन स्लोगन्स रेज किए गए हैं मुहर्रम के जुलूस के, आखिर श्रीनगर में किए गए, संसद के अंदर किए गए? जब संसद के अंदर ओबीसी जैसे अपने को जिम्मेदार बताने वाले लोग अगर फिलिस्तीनी जिंदाबाद के नारे लगाते हैं, तो बिहार के नवादा और कश्मीर में अगर लगता है, ये तो वही चाहते हैं, ये भारत को पाकिस्तान और बांग्लादेश की तरह माहौल को बिगाड़ने की कोशिश हो रही है। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel, ABP Live Premium.